मैं हूँ इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूँ इंडिया का जो सबसे फिल्मी लौंडा राजोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है अपने दिल्ली एनसीआर का सबसे चहेता रैपर जिसका नाम है 47। तो तालियां बजा के स्वागत करता हूं मेरे भाई का, तालियां। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। नौ महीने बाद फिर से, नौ महीने फिर से बात। हाँ, पता नहीं। हाँ। पुराने इंटरव्यू भी हाँ, याद है, पूरा याद है ब्रो। नौ महीने का गैप रहता है हमारे उसमें। तो भाई पहले मुझे ये बताओ क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूँ यू नो जोर शोर से एक तो बॉडी बन रही है, दूसरा ईपी बन रही है। बॉडी तो नहीं बन रही यार, बॉडी का खत्म हो गया लॉकडाउन के अंदर, सारा सीन खा पी के पूरा बराबर कर दिया जो पिछले साल मेहनत करी थी सब। हाँ, खराब हो गई वो। ईपी जरूर बन रही है जोरों शोरों से। सो अभी जो लास्ट सॉन्ग आया था मेरे चैनल पे, क्या है था उसका नाम, ऑडियो डाला था इस साल। मेरे चैनल पे म्यूजिक वीडियो नहीं आया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑब्वियसली। पर उसके बाद मैंने अभी ईपी पे काम करना शुरू किया, खत्म ही कर दिया। हाँ, आपने सुनी है अभी। हाँ, बाय द वे एक्सक्लूसिवली 45 ने सुनाई मुझे ईपी। और मैं बताऊँ थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल, गांड फाड़ लगी मेरे को। प्रोडक्शन बहुत डबल गांड फाड़ है, मतलब जैसे आप करते हो प्रोडक्शन उससे ज़्यादा इस बार हाई क्वालिटी है। हाँ। बाकी सारे गाने खतरनाक हैं, मतलब ज़्यादा भाई बताएंगे। नहीं बिल्कुल, इसके अंदर तो 6 गाने, 5 रखने थे पर वी डिड लाइक 5+1 ही बोनस ट्रैक है, जो कि पिछले 2 साल से मैं तुम्हारे पास आके परफॉर्म कर रहा हूँ गाना। एक्सक्लूसिवली वो गाना पहले मेरे पास था। हाँ, जिसमें मोनू बैठा हुआ था। मोनू बैठा हुआ था, मोनू यहीं से आया था। यहीं से उठ गया, दोबारा उठ गया, यहीं से उठ गया। 3 गानों में मेरी प्रोडक्शन है। हाँ। बाकी जो 3 गाने उसमें एक की है सिंग बीट्स की, जो कि कलविंदर के साथ काम करता है, यूएस का आर्टिस्ट है। एक है फ्रिस की, फ्रिस के साथ बहुत टाइम से करना था, ठीक है, शाउट आउट मेरे भाई फ्रिस को। बहुत टाइम से लाइक हम लोग नहीं कर पा रहे थे बट उसने किया और क्या बीट बनाई है यार भाई, वो बहुत मेरी फेवरेट थी, सबसे फेवरेट। उसको मैंने बोला यार कि मेरे को इस तरह की बीट चाहिए, उसने बोला कोई रेफरेंस है, मैंने कहा ब्रो रेफरेंस यही है कि जो मेरा गाना था बहुत तेज मेरे से। तो हुआ ये कि मेरे को सारे गाने खुद प्रोड्यूस करने थे। हाँ। पर एक मोमेंट पे आके ना मैंने कहा भाई मेरे से सारे के सारी बीटें एक जैसी बनती जा रही है, अगर ये मैंने कर दिया ना तो 5 गाने एक ही हो जाने, सेम साउंड। बीट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फ्रिस्क से बात हुई और वो बहुत टाइम से लगा हुआ है, वो बोल रहा है, वो बीट्स भेजता रहता है और उसकी बहुत सही बीट्स हैं। उसको मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ब्रो मेरे को ये बीट अच्छी लग रही है, मुझे नहीं पता मैं कब यूज़ करूँगा, तो इनकेस अगर कोई और देर से लेने आया तो दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मैंने उससे फ्रेश बनवाया, मैंने कहा जो मेरा गाना था बहुत तेज़, मेरे को वो ड्रम पैटर्न चाहिए और पीछे तू जो मर्जी मेलोडी डाल। और भाई ने एक बीट भेजी, मैंने कहा यही फाइनल है, कुछ चेंज नहीं करना, तू भेज दे। वो बहुत जबरदस्त, वही वाला मेरी वही फेवरेट, पहली बार में पसंद आ गई। जनरली ऐसा होता नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ इसके अंदर कर या पूरी बीट ही मैं खराब करवा देता हूँ। हाँ। ये पूरा आखिरी में लाइक को प्रोडक्शन ही रहती है मेरी, पर पूरी की पूरी उसने बनाई और बहुत सही है। इनफैक्ट सिंग बीट्स की भी जो बीट है वो भी बहुत क्रेजी है, ड्रिल है वो शायद, आई थिंक या ड्रिल टाइप बीट है, क्रेजी है वो। और जो लास्ट सॉन्ग है 6th गाना जो है रफ्तार वाला मेरा और कर्मा वाला, वो रफ्तार की बीट है, 2018 में बनाई थी और आज तक मैं वो गाड़ी बैन करता हूँ। मेरा जो दोस्त है ऋषभ, बर्थडे मिड नाइट को, वो भाई वो पागल है उसके पीछे, मतलब उसको जब से वो बीट सुनाई है ना उसको 2018 के बाद से मेरा कोई गाना लाइक वो अभी तक नंबर 1 पे ही है उसके लिए। अच्छा। सो 3 गानों में प्रोडक्शन है, एक में रफ्तार भाई की है, एक में सिंग बीट्स की और एक में फ्रेश की है। सो प्रोडक्शन डज प्ले एक बहुत बड़ा पार्ट। यस। तो या मेरे से हो नहीं रहा था तो मेरे को करवाना पड़ा एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये किया, करवाया, क्योंकि वेरिएशन भी बहुत जरूरी है, बहुत वैरायटी आ रही है। Yes. उसके बाद से लिरिक्स तो मैं लाइक मेरा फ्लेवर तो वही रहने वाला है। हाँ। चाहे मैं कोई डेप्थ वाला गाना करूँ या मैं फ्लेक्स वाला गाना करूँ या मैं दिल्ली वाली बकचोदी बेलूँ, मेरा स्टाइल वही है। एक जो 47 वाला फ्लेवर है जो इस साल चला है, पिछले साल थोड़ा अलग था, इस साल थोड़ा अलग है, वो वही रहता है। पर अगर बीट अलग होती है तो आई एम ऑल्सो एबल टू कि मैं अपना फ्लो चेंज कर पाऊँ उनके ड्रम पैटर्न के हिसाब से, एंड आई वॉज एबल टू डू दैट एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने दूसरी बीट्स यूज करी दूसरे लोगों की एंड इट वॉज फकिंग बहुत दिख रहा है भाई वो। अच्छा। Yeah. मतलब ये यू नो आपने सोचा कि दूसरों की भाइयों की बीट्स लेता हूँ। हाँ। और कुछ खतरनाक उस पर करता हूँ, वो आपने किया है। पहला गाना बाय द वे 22 तारीख को आ रहा है, 22 तारीख को, 22 सितंबर को कर दिया गाने का नाम है कर दिया। तो 22 तारीख को सबने यूट्यूब पर जाके कर देना है, कर दे रहे। अच्छा मुझे ये जानना है यू नो ईपी का नाम आपने असली इंडिपेंडेंट क्यों रखा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? प्रीटी ऑब्वियस है यार, मतलब मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि लाइक एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होता क्या है। बहुत काफ़ी अलग अलग डेफिनेशंस है। हाँ। जो लोग बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ये होता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या मेरे हिसाब से वो होता है, हिसाब कुछ नहीं होता, एक क्लियर कट डेफिनेशन है कि जो बंदा साइन नहीं है वो इंडिपेंडेंट है, खत्म, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, मैं साइन नहीं हूँ कहीं पर तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और असली इंडिपेंडेंट का ये मतलब है
कि लाइक नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ कहीं साइड नहीं हूँ कि लाइक मैं सिर्फ एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैं अपना म्यूजिक भी खुद करता हूँ. तो दैट गिव्स मी फ्रीडम, एंड फ्रीडम इज अ सिनोनिम ऑफ इंडिपेंडेंट, कि लाइक आज़ाद, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर. तो बस मुझे वही दिखाना था, मतलब जो भी मैं गाना कर रहा हूँ. और ये जो गाने हैं, हम ना इसके बाद फिर लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर लेबल पे है तो इंडिपेंडेंट कैसे है. मेरी मर्जी थी कि लाइक मैं वो गाने कहाँ देना चाहता हूँ. मैं अभी भी इंडिपेंडेंट हूँ. सो आप लाइक फॉर एग्जांपल कहीं कुछ लेने जाते हो, ठीक है, म्यूजिक बिजनेस है, ये बिजनेस वर्ड है इसके अंदर, है ना. आप कुछ खरीदने जाते हो कहीं पे, आप किसी से कपड़े लेते हो. अब आपको जो बंदा कपड़े बेच रहा है वो आपको नहीं बताएगा कि आप उसको कैसे पहनो, कहाँ, आपका जहाँ मन आएगा तो वो करोगे, है ना. तो मैंने भी अपना म्यूजिक दिया है किसी लेबल को, अब उस लेबल की मर्जी हो जैसे मर्जी उसको यूज करना चाहता. सही बात है. That was pretty much it. कि लाइक चाहे वो लेबल इंडिपेंडेंट है या मेजर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैंने जहाँ मेरा मन है मैं वहाँ गाने दूंगा. That's how I'm independent. बिल्कुल सही बात है. और वैसे पता है, ये मेरा अगला सवाल था. मीमर्स कम्युनिटी ने स्पेशली सवाल मेरे को भेजा था कि भैया जब एल्बम का नाम असली इंडिपेंडेंट है तो वो लेबल पे रिलीज क्यों हो रही है. नहीं नहीं यार, मीमर्स कम्युनिटी कैसे लाइक उन सबको तो मैं पर्सनली जवाब देता हूँ. हाँ. एक तो मतलब जितने भी अच्छे अच्छे मीमर्स हैं सारे दोस्त हैं. हाँ. बहुत सही लोग हैं यार, मतलब सॉरी मतलब क्या बोलूं यार, मतलब सही इंटरनेशनल लेवल मीम्स है अपने. क्या क्रिएटिव लोग यार हैं. हाँ, मैं देखता हूँ जो आप शेयर भी करते हो. हाँ, मैं जो मेरे ऊपर मीम्स होते हैं और खासकर जो ज्यादा एक्सप्लिसिट नहीं होते. हाँ, और जो डिफरेंट भी होते हैं, मैं देखा कि यूनिक और डिफरेंट, वो आप जरूर शेयर करते हो. यार मेरे को मजा आता है तो मैं डाल देता हूँ, चाहे मेरी बेइज्जती हो रही हो. बस एक्सप्लिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए और मेरे ऊपर होना चाहिए, तो लो भाई हो जाएगा, वो शेयर होता है. तो बताओ भाई क्या यही इंडिपेंडेंट और यही है यार, लाइक आपकी मर्जी कहीं भी, कहीं भी हूं मैं, मतलब सारे डिसीजंस मैं अपने खुद लेता हूं. अब अगर एक मैंने प्रोडक्ट बना के अपना बेच दिया तो वो गया मेरे हाथ से, अब उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है. पर उससे पहले मैंने जो भी किया, कोई मेरे को नहीं बताएगा कि किस तरह के गाने बनाने हैं. कलमकार ने भी यही किया, उन्होंने बोला यू हैव टू डू योरसेल्फ, कि लाइक यू डू यू, जो आप हो हमें वही चाहिए. और मैंने इस बार ये अलग ट्राई करने की कोशिश करी, जनरली मेरे जितने भी गाने होते हैं मेरे चैनल के ऊपर, सब में कुछ रिलेटेबिलिटी फैक्टर, या फिर मैं जानबूझ के डालता हूँ कि लोगों को मेरा ये तरीका रहा है अपने गाने बनाने का, कि अगर आप पॉपुलर नहीं हो ना तो कोई आपकी कहानी नहीं सुनना चाहता, ठीक है. लोग सिर्फ अपनी कहानी सुनना चाहते हैं. तो हाँ, बट यू आर पॉपुलर. नॉट रियली, मतलब ठीक है मैं, हाँ, सेमी पॉपुलर बोल सकते हैं. पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया था जब कोई भी शुरू करता है, तो ये मेरा तरीका था अपने गाने आगे पहुंचाने का, कि मैं लोगों को उन्हीं की कहानी सुनाता हूँ कि दिस इज यू, आप ये. और मैं लाइनें ऐसी डालता हूँ जिसके अंदर वो अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, ठीक है. और वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर बन जाती है, एंड दैट्स व्हाट आई स्टिल डू. मैं अभी तक अपने चैनल पे वही करता आ रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि लाइक कोई नहीं जानना चाहता कि मेरे क्या दुख है या मेरी क्या स्ट्रगल है, हसल है. लेकिन अगर मैं बताता हूँ कि तुम्हारी ये स्ट्रगल है, देन दे रिलेट टू इट, और फिर वो शेयर भी करते हैं उस गाने में, दैट वर्क्स. लेकिन इसके अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ये पूरी मेरे बारे में. और कलमकार ने पूरी छूट दी, एंड दैट्स आई लव्ड इट, कि लाइक उन्होंने कुछ बोला नहीं कि हमको इस तरह के गाने चाहिए, या जो तूने वो गाना बनाया था हमें सारे वैसे गाने चाहिए. उन्होंने बोला तू कर जो तेरे को करना है ना. उस लाइक कि कलमकार की सारी ऑडियंस जो है ना वो हार्डकोर रैप ऑडियंस है. कृष्णा, कर्मा, जितने भी लाइक रैप आर्टिस्ट हैं वहाँ पे. हाँ, रफ्तार भाई इज नॉट रियली कलमकार, वो कलमकार लाइक उस चैनल पे जो गाने आते हैं, जो गाना, समझ लो, मतलब वो ऑब्वियसली ही ओन्स दैट लेबल. पर जो अदर आर्टिस्ट है, लाइक अगर देखा जाए तो जो मेरा उनके साथ गाना आ रहा है, दैट कुड बी हिज फर्स्ट सॉन्ग ऑन कलमकार. सो लाइक कलमकार पे रफ्तार भाई का जो पहला गाना है वो मेरे साथ है. दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो वो जो भी वहाँ पे सब्सक्राइबर बेस है वो सारे के सारे प्रॉपर हिप हॉप बेस्ड ऑडियंस है. तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हिप हॉप नहीं करता, पर मेरा हिप हॉप अलग है. और जो वहाँ पे लोग हैं वो सारे लाइक दे आर इनटू बार्स एंड स्टफ, कि लाइक कितना हार्डकोर जा रहा है बंदा. तो मैंने उस चीज़ को अपने वाले चीज़ के साथ बैलेंस करने की कोशिश करी है, कि लाइक मेरा फ्लेवर भी ना जाए और एकदम रिलेटेबल चीज़ भी नहीं बना रहा, कि मतलब एकदम ही इजी चीज़ मैंने बना के डाल दी जो मैं यूजुअली करता हूँ. सो उस चीज़ को मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी है वहाँ पे. सो दैट वॉज ग्रेट अबाउट कलमकार. तो उन्होंने वो मेरे को फ्रीडम दिया वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है. हाँ, मतलब जनरली अगर लाइक मैं किसी मेजर लेवल के साथ होता, फॉर एग्जांपल चलो नाम के लिए XYZ जो भी है, ठीक है, लेट्स से बहुत बड़ा लेबल है, नाउ दे हैव टू गेट देयर मनी बैक जो भी वो मेरे को पे कर रहे हैं. इनफैक्ट कलमकार ऑल्सो हैज टू डू दैट. एट द एंड ऑफ द डे वो बिजनेस ही है, कंपनी ही है. पर वो बड़ी कंपनी क्या बोलती है कि लाइक ये गाना हमारा ऑलरेडी चला है,
तू मेरे को ये बना के दे, या ये गाना तेरा ऑलरेडी चला है कुछ ऐसा ही बना के दे ताकि हम उसको प्रॉपरली बेच सके. बट हियर इट वॉज कि इवन इफ दे डोंट लाइक माई सॉन्ग पर्सनली, उन्होंने ये बोला है कि हमें पता है कि तेरी जनता तेरे को सुनती है तो तू वही दे जो तू करता है. तो कलमकार के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो मेरे लोग हैं वो उनके पास आएंगे, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जो कलमकार के लोग हैं वो मेरे पास आएंगे. सो दैट वाज, इट वाज क्वाइट म्यूचुअल और बहुत जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है. बहुत सही लगा. बहुत सारे भाइयों का यही सवाल था कि डील कितने में है भाई. तैयार था मैं सवाल के लिए, कट से पहले सबने पूछा. अच्छे पैसे में हुई है, माड़ा मोटा कैश. इट्स गुड मनी क्योंकि मेरी डेब्यू ईपी है, ठीक है. और अगर पैसा अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं देता, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी देखना है कि लाइक अगर मैं 3 महीने या 4 महीने अपने चैनल से गायब हूँ तो आई ऑल्सो हैव टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर दैट एंड कलमकार टू केयर ऑफ इट. हाँ, तो लाइक मैं नंबर नहीं बताऊँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर इट्स गुड मनी. लाइक इफ यू, जो भी मेरे को सुन रहा है, कोई रैपर, नया रैपर या पुराना रैपर जो अभी पैसे नहीं कमा पा रहा है रैप से, अगर लाइक इफ यू आर एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ मनी जो मेरे को मिला इस ईपी के लिए, यू विल बी हैप्पी. मतलब इट्स मेहनत जितनी करी है उसका पैसा प्रॉपर है. इट्स गुड मनी, दैट्स ग्रेट ब्रो. हाँ, अच्छा, में पैसा है. अच्छा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी आप तो और खतरनाक होते. हाँ, बात सही है. अच्छा, आई नो बहुत सारे लोगों का सवाल था, देखो मेरा भी है, मतलब मेरे को मैसेज आता है क्योंकि जब भी आप, क्योंकि सब मुझे गालियां भी निकाल रहे थे कि भैया ईपी आ रही है 40 भाई की, इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे. तो ये मेरा सवाल है कि भाई जल्दी चाहिए. कर तो रहे हैं. हाँ, अभी कर रहे हैं ना, मतलब लोग पहले से एक्साइटेड थे कि जब से वो पोस्टर रिलीज हुआ तब से मुझे मैसेज आ रहे हैं. हाँ. तो एक जैसे ही आपने ट्रैक लिस्ट रिलीज करी, हाँ, उसके बाद से मुझे दबा के सवाल आ रहे हैं कि बादशाह भैया और बाली भैया आपकी ईपी में क्यों नहीं है. ओ, इसके यार दो रीजंस हैं. एक तो ये है कि जो भी जिसके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर, इधर आई एम पेइंग देम या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि यू गिव मी अपना काम और बदले में मैं आपको अपना काम दूंगा. जो मेरा बाली और बादशाह भाई का है जो रिलेशन, हम उस चीज़ को बोल सकते हैं, वो यहाँ पे आके वो ठीक नहीं साउंड करता. ओके. कि लाइक गेटिंग मनी इन प्लस आई कांट अफोर्ड देम मैन. बाली एंड बादशाह भाई लाइक रियली बिग नेम्स, लाइक मैं उनको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ. और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कुछ कमर्शियल काम कर रहा हूँ तो मैं फ्री में करवाऊँ या कुछ भी है. उसके अलावा अगर मेरा बाली का और बादशाह भाई का कुछ आता है तो वी वॉन्ट दैट थिंग टू बी एक्सक्लूसिव किसी ईपी डील का पार्ट नहीं. लाइक वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कलाब है. लाइक जितना यू नो, एक चीज़ जितनी कम मिलती है आपको उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है. एक डिश आप बार बार खाते जाते हो लाइक रोटी की तरह हो जाती है, फिर वो आप उसको खा लेते हो पर उसकी वैल्यू आपको पता नहीं चलती, कॉमन हो जाती है. हाँ, पर भाई एज एन आर्टिस्ट जो अभी आपने बात बोली ना, ये सोच मतलब सबको ऐसी रखनी चाहिए. yeah. जो आपने बात बोली, मतलब यार मैं चाहता हूँ कि हाउ कैन आई डू दैट. लाइक बाली इज वे बेटर आर्टिस्ट देन मी, बादशाह भाई इज लाइक बेटर आर्टिस्ट भी है, इज अ वे बिगर नेम देन मी. मैं उनको क्या लाइक व्हाट कैन आई गिव देम. और मैं उनको नहीं बोल सकता कि लाइक बिकॉज आप मेरे भाई हो तो इसलिए आप मेरे साथ काम करो. वो सीन है. एंड इट हैज टू बी एन एक्सक्लूसिव थिंग कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो चाहे कम आए पर एक्सक्लूसिव आए, कि मतलब जब वो चीज गिरे तो सिर्फ वही चीज गिरे, वो किसी ईपी डील का पार्ट ना हो. जैसे हॉट लॉन्डे, जैसे हॉट लॉन्डे है या फिर कलेशी ईपी होगी. हाँ, वेरी एक्सक्लूसिव थिंग. यस भाई, केएल ईपी के बारे में बाद में बात करेंगे. एक अभी मतलब जैसे बादशाह भैया, बाली भैया और आपकी बात हो रही है, तो एक गाने में कैमियो किया था बाली भाई ने, जिसके व्यूज ऐसे भाई वो क्लेम करते हैं. हाँ. कि बादशाह भाई ने मेरे को कॉल किया था, आपको पता है वो. हाँ. आपने देखा वीडियो. हाँ. वो स्टोरी मैं आपकी साइड की जानना चाहता हूँ. नहीं, वो स्टोरी सही है, मतलब 20 मिलियन व्यूज हैं क्योंकि पता नहीं 20 के ऊपर ही है. हुँ. क्योंकि बाली ने कैमियो दिया था, नहीं तो 30 होते. अगर वो कैमियो नहीं होता तो 30 मिलियन होते. अरे यार ये भाई आजकल के लौंडे, ठीक है, एक गाना वायरल देते हैं सब्सक्राइबर बना लेते हैं. वन हिट वंडर बोलते हैं ना, वन हिट वंडर. सही बोल रहे हो. और जैसा गाना है तो वन शिट वंडर है वो. क्या करा भाई बाली ने मुझे बताओ. एक गाना दिया उसने, 10 मिलियन ही तो है. 10 मिलियन ही है ना, क्या हो गया. मेरे किसी गाने पे नहीं है, मान लिया. सब्सक्राइबर आपके ज्यादा है. सब्सक्राइबर किसके ज्यादा है भाई. मुबारक. माना कि वो मेरे से तेजी से बढ़ रहे हैं उसके सब्सक्राइबर, पर अभी भी मैं ही आगे हूँ. ठीक है, एक साल बड़ा हूँ मैं उससे. छोटा भाई है वो मेरा. यस, अपना ही लड़का है वो. हाँ, और कैशलेस इकोनॉमी है. कैशलेस इकोनॉमी है. अबे काय का बाली, जो बाली नहीं है. सही काय का बाली. फैक्ट है भाई, फैक्ट है. दैट्स द फैक्ट. हाँ,
ठीक है, समझ गया मैं इस चीज की स्टोरी। एक और चीज मैंने जो नोटिस करी आपके इंस्टाग्राम पे कि भैया 47 जो पोस्ट होती है वो 49 हो गई है, इसके पीछे भी लोग पड़े हुए थे, मतलब वो क्या था, मतलब ऐसे जैसे मोनू तो हटिया गाने से, तो मतलब वो कुछ है ऐसा दिल में कि भाई 47 ही पोस्ट डालनी मेरे को, अपनी शक्ल अच्छी लग रही थी इसके अंदर, वो चलते चलते कई बार होता है फोटो में नहीं बढ़िया लगता था, मैं आर्काइव कर देता हूँ उसको, बस बढ़िया लगता था 47 47। अरे बाकी चोरी है यार, क्या ही है, लोग 15-20 मीम बना देते हैं, मुझे मजा आ जाता है, फिर मैं बोर हो गया उससे, महंगा छोड़ो बेंचो बढ़ने देते हैं, कुछ नया करते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो 55 हो गए थे, फिर मैंने फिर चेक किया, डिलीट नहीं करा, लाइक आर्काइव कर दिया। हाँ, तो कुछ पुरानी फोटोज हैं जिनपे जिनमें मेरे को लग रहा है कि नहीं यार क्या क्या शक्ल है इसके अंदर या क्या फोटो है जो उस टाइम अच्छी लगती थी, हटा दिया मैंने, कुछ ऐसा कुछ खास सोच नहीं, उस टाइम कर रहा था ऐसे ही मजे हो रहे थे। और बट भाई जो फर्स्ट पोस्ट है ना आपकी इंस्टाग्राम पे, वो यार बड़ी सेंटी है, सो आई वांट टू नो यू नो कि आपके मॉम वो आपका म्यूजिक सुनती है, और मतलब क्या मतलब एक क्योंकि वो बहुत ही मतलब वो देखा ना भाई मेरे आंसू आ गए थे, मैंने उसमें कमेंट भी किया था कि मतलब तो बड़ा अच्छा, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते उस चीज को, वो पहली पोस्ट नहीं है, उससे पहले बहुत सारी पोस्ट थी, लेकिन वो आपने फर्स्ट पर रखी हुई। हाँ, वो पीछे पीछे से ना मैं आर्काइव करता आ रहा था, पर जब वो आई ना, चाहे उस पर जितने भी लाइक्स हैं, चाहे मैं उस फोटो के अंदर नहीं हूँ, पर मैंने कहा यार इसको नहीं हटा सकते, ये मतलब बढ़िया लगा मुझे। सो जनरली है ना, मेरी मम्मी हमेशा मेरे को सबसे पहले विश करती है बर्थडे पे, जो कि 8 दिन बाद आ रहा है, आप कुछ अगर भेजना चाहें तो राजू उसके पास भेज सकते हैं, मुझे भिजवा देंगे। वो हमेशा मेरे को सबसे पहले विश करती है, ठीक है। जब बीच में मैं ऑफिस जाता था तो मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, बीपीओ में काम कर रहा था सेल्स प्रोसेस के अंदर, मैं उस लाइक कि अब कैसे करेंगे वो, तो मैं जब लंच बॉक्स खोलता था ना तो उसके अंदर स्लिप पड़ी होती थी हैप्पी बर्थडे की, लाइक सबसे पहले वही करती है, तो इस बार भी मेरे को लगा कि शायद वही करेंगी, तो मैं उठ के बाहर गया, मैंने देखा तो वो सो रही थी, तो यार कमाल है। अब फिर थोड़े से मतलब 50+ हो गए हैं वो, तो थक जाती हैं ऑब्वियसली, लाइक नहीं जाग सकते वो रात तक, तो मैं डाइनिंग टेबल पे गया, तो वहाँ पे भी उस साल भी मतलब 3-4 साल से वो यही कर रही हैं कि अगर वो नहीं जाग पाती है, नहीं होती हैं, तो वो एक नोट लिख देती है मेरे लिए, तो उसका मैंने फ़ोटो खींच के डाल दिया था, लाइक वो मेरे लिए और पिछले साल हर साल जन्मदिन पे कुछ ना कुछ हो जाता है यार, डिप्रेस हो ही जाता हूँ मैं किसी ना किसी कारण से। तो इस साल मत होना। हाँ, इस साल मत होना, 8 दिन बाद आने वाला है। बिल्कुल नहीं भाई, इस पार्टी करते अब, मतलब यार हाथ किसी के हाथ में नहीं होता, ठीक है, अगर आप कुछ होना होता तो होता ही है, पर वो फिर वो मैं चीजें देखता हूँ जो मॉम करती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो आंटी जी मतलब अभी जैसे अब तो देखो 9 महीने में, जैसे हम लास्ट इंटरव्यू किया था, आपका करियर ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ा। आंटी जी कितना खुश है? आंटी जी बात कर दो आंटी जी से करियर को लेकर अपनी। नहीं ओके, मतलब उनको मैं बताता रहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर मैं उनको ये नहीं कहता ये मेरा गाना है इसको सुनो या क्या, वो सुन लेती हैं, उन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है वो सुन लेती हैं, और जिस तरह के मैं गाने बनाता हूँ मैंने उनको पहले तैयार कर दिया था कि देखो ये रैप है, ये हिप हॉप है, इसमें हम जैसे बाहर बात करते हैं हम वैसे ही अपने गानों में डालते हैं। सही। और आपको नहीं पता है कि मैं बाहर कैसे बात करता हूँ लोगों से, तो यार हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा सबसे सबसे गाय जो होती है ना वो होता है कि लाइक इससे शरीफ कोई नहीं है, और वही गाय जब बाहर जाती है तो बीफ कर रही होती है, मतलब आप समझो उस चीज़ को कि लाइक उनके लिए ये देखना कि भाई ये क्या बोल रहा है गानों के अंदर वो बहुत अलग चीज़ है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो समझती हैं इस चीज़ को। दैट्स ग्रेट। हाँ, कि मतलब जैसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, और वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक आर्टिस्ट के मर जाने का, कि लाइक जब उनको घर से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो आगे क्या ही कुछ कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो मिले तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर मेरी मॉम ने शुरू सपोर्ट किया कि तेरे को जो करना है तो कर, तेरे को जैसे ठीक लगता है, जो तेरे को सही लगता है वो तू कर, लेकिन अगर कभी ये नहीं होना चाहिए कि तू किसी और पे इल्ज़ाम डाल दे कि अगर मैं बड़ा नहीं हो पाया तो इसलिए कि इसने मुझे कुछ कहा था, या अगर मैं बड़ा हो गया तो वो इसकी वजह से, अगर तू बड़ा बनता है वो भी तेरी वजह से होना चाहिए, अगर तू कुछ नहीं बनता है वो भी तेरी वजह से ही होना चाहिए। तो उन्होंने पूरी छूट दे रखी है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, कि मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़े, लेकिन अगर उनका साथ है तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। सही बात। अगर वो साथ देते रहेंगे तो पूरी दुनिया की भाई वैसे गांड नहीं मारी भाई, मतलब कोई क्या बोले अपने को कभी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ से फ़र्क पड़ता है कि अगर ये जब तक बोलते रहेंगे ना कि मतलब तू ठीक कर रहा है तू सही कर रहा है, अगर तेरे को तू रात को सो पा रहा है तो सब सही है। सही बात। तो वो मेरे को ठीक लगता है। फुल पावर। हाँ, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट है। बाकी फेवरेट गाना कौन सा आंटी जी का आपका? हाँ, एक फेवरेट गाना
उनको खो गया हूँ अच्छा लगता है, उनको पापा अच्छा लगता है। पापा सबसे पहले उनको गाड़ी में सुनाया था जब मिक्स पे नहीं था, उन्होंने रोते रोते सुन रहे थे गाना। इट्स लाइक वो रिलेट कर सकती है ऑब्वियसली, लाइक इट वाज माय डैड। सो या यार फेवरेट, या ठीक। अच्छा यू नो इस साल बहुत अच्छा काम आपका आया, बादशाह भैया के साथ आपका गाना आया, फिर इक्का भैया के साथ आया, अभी ईपी में रफ्तार भैया के साथ भी है। सो हाउज एक्सपीरियंस, क्योंकि आप उनके टाइम के ही हो, माफी मुडीर के टाइम, मतलब नहीं मैं उनसे थोड़ा सा बात करूँ, थोड़ा सा बात मतलब हाँ वो फील है। हाँ क्योंकि बादशाह भाई वगैरह और जो उनके टाइम के है वो आई थिंक 2005-06-07 से कर रहे हैं। हाँ मुझे वो पिक्चर याद आई इसलिए मैंने उनके टाइम से रिलेट कर, मैंने शुरू किया 2010-11 से, सो मतलब मैं भी हूँ 10 साल पुराना चीज़ के अंदर। पर या हाउज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो बहुत गांड फाड़ता है, मतलब अगर बादशाह भाई से शुरू करें उनसे, उनकी उनका जो बेस्ट पार्ट मेरे को लगा ना उनका यही था कि उन्होंने बोला कि म्यूज़िक बनाते हैं, मतलब मेरे को ये पता है कि मैं कभी नहीं बोल पाता उनको। मैंने रफ्तार भाई को इस साल पूछा कि क्या आप मेरे साथ कोलैब करोगे, जबकि मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, 2018 में उन्होंने बोला था मेरे को गाने के लिए और इस साल वो आ रहा है, तो मैंने अब जाके उनसे पूछा, अब मेरे को कंफर्टेबल लगता है कि मैं खुद पूछ सकता हूँ कि क्या मैं आपको फीचर कर सकता हूँ अपने गाने के अंदर, चाहे वो आगे से हाँ बोले ना बोले जो भी है। और बादशाह को मैं कभी नहीं बोल सकता था यार, लाइक आई नो, मैं नहीं, मैं उनको पूछ ही नहीं सकता कि लाइक मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी ना है उनकी तरफ से, बिकॉज जिस टाइम पे मैं कर रहा था, जिस टाइम पे क्या आज भी आई थिंक कि मैं, मेरा कोई लेवल नहीं है, लाइक मैं अपने आप को बहुत, मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को नथिंग मानता हूँ। बट व्हाई यार, मैं अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लेके चलता हूँ कि लाइक जो मेरे से ऊपर है वो ऊपर है, जो मेरे से नीचे वो नीचे है, मैं जीरो हूँ, ठीक है। एक न्यूट्रल नंबर होता है ना, इंटीजर्स होते हैं ना, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मैं जीरो हूँ, मैं न्यूट्रल नंबर हूँ। और जब उन्होंने खुद बोला तो एक बार को ना ये लगता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट बोलते हैं आपको यू नो काम करने के लिए, एंड देन दे जस्ट दे फॉरगेट, भूल जाते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि कुछ भेज, पहले उन्होंने बोला कि म्यूज़िक बनाते हैं, आई वॉज रियली हैप्पी, उन्होंने नंबर दिया अपना, देन व्हाट्सएप पे बात हुई। एक महीने बाद बिकॉज आई थिंक उनकी कुछ गले में दिक्कत चल रही थी, वो लाइन की लाइन भी है बहुत तेज के अंदर कि सब खड़ा तेरे भाई का बस गला बैठा, तो उन्होंने बोला कि कुछ है तेरे पास जिस पे हम कर सकते हैं। मैंने कहा है तो सही, लेकिन इसके लिए मैं फ्रेश बनाऊंगा। तो जो बहुत तेज है ना गाना, वो 8 घंटे के अंदर मैंने बीट भी बनाई, उसका हुक भी बनाया, अपना वर्स भी बनाया, वो रिकॉर्ड करो, फाइनल वो कर दें सारे 8 घंटे के अंदर, बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड मैन। मैंने बनाया, अपना बेस्ट दिया और मैंने करके उनको भेज दिया। जनवरी में हम लोग मिले और बाली भी था उस टाइम में साथ में थे उन्होंने, मेरे को लगा शायद लाइक हम मिल रहे हैं तो इट वुड बी कि लेट्स गेट टू नो इच अदर, कि आप क्या सोचते क्या नहीं। उन्होंने अपना वर्स सुना दिया उसी मीटिंग के अंदर कि ये ले ही मैंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने अपने होटल के अंदर रिकॉर्ड किया था उस चीज़ को, एंड इट वॉज अमेजिंग। जब मैंने सुना उसके अंदर कि 47 ने दिल्ली संभाल रखी है, मेरे को अच्छा लगा वो चीज़। तो उनके साथ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक भी जगह पर ये नहीं बोला कि हुक में कुछ करते हैं या बीट ऐसी है या वर्स ऐसा है, उनको अच्छा लगा उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये बोला कि लाइक पहले तू जाएगा पहले मैं जाऊंगा, मैंने बस गाना बनाया भेजा, उनको अच्छा लगा उन्होंने बनाया भेजा गाना डन। उनकी ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी और लगती है। That's great. सबके साथ वो ऐसे ही करते हैं, लाइक बाली के साथ जो उनका गाना है oh shit, you should listen to that song, man, that's crazy. बाली भाई बाहर बैठे हैं सुनना वो चीज़। तो उनको जो आर्टिस्ट पसंद है, डजंट मैटर कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके सब्सक्राइबर कितने कितने लोग जानते हैं, आप कभी टीवी पे आए हो नहीं आए हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर वो वाइब करते हैं, उन्होंने गलत लौंडा सुना था, ही लव्ड इट, अगर वो वाइब करते हैं तो काम करेंगे साथ में। रफ्तार भाई ने सबसे पहले लाइक आउट ऑफ ऑल द बिग आर्टिस्ट उन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया था, वॉज फॉर उनके और कर्मा वाले गाने के लिए, एंड देन ही लाइक द सॉन्ग सो मच, उन्होंने कहा कि मैं भी एक इसके अंदर वर्ड्स डालूंगा। सो उनके साथ वो वाला गाना है जो अब ईपी के अंदर आ रहा है, उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत सही है। लाइक रफ्तार का मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, ठीक है, और इट ऑल स्टार्टेड विथ जब उनका स्वैग मेरा देसी आया था, मैं उनका शेट ये गाना है भाई, और उनके साथ काम करना वाज लाइक मेरे बकेट लिस्ट के अंदर था, लाइक आई हैव टू वर्क विद हिम, आई लाइक हिम। वो अभी भी लाइक अपने दोस्त की तरह बात करते हैं, बट कभी वो बीच बीच में फ़ैन निकल जाता है, यू नो लाइक आई स्टिल लव योर लिरिक्स एंड ऑल दैट शिट, हो जाता है। तो उनके लिए भी बहुत सही था। इक्का को मैं सबसे पहले से जानता हूँ उनसे, हमारा बैंड हुआ करता था, मेरा लाइक 4 रैपर्स होते थे, बहुत पुरानी बात है 2011 की, और इनको मैं मिला था बेच पिलानी के अंदर, और वहाँ से मेरे क्रू के अंदर एक और रैपर था मुस्तफ़ा, वो इनका अच्छा दोस्त बन गया था, एंड देन वो फिर लाइक आपस में कभी भी जैम करते थे, मैं भी वहाँ पे साथ में था, मैं उनको तब से जानता हूँ। और
हमारी जब बात हुई आई थिंक किसी गाने से रिलेटेड ही था या कुछ था, आई नॉट श्योर. हाँ, जो 95FM वाला जो इवेंट हुआ था, हम लोग वहाँ मिले थे. हाँ. और उसके बाद फिर हमारी वहाँ बात चल रही थी और मैंने उनको पूछा था कोलैब के लिए, बिकॉज लाइक मेरे को लग रहा था कि इक्का और गोलू से ज़्यादा दिल्ली कोई नहीं है भाई. मतलब अगर मैं बोलता हूँ ना कि भाई मैं दिल्ली वाला सीन दिखा रहा हूँ. हाँ. तो मतलब उन लोगों से तुम बात करो जो मेरे गाने हैं ना, वो वैसे बात करते हैं वो रियल लाइफ के अंदर. अरे वो खतरनाक, मुझे याद है इससे गोलू भैया का मैं इंटरव्यू करा था हम लोग, तूने एक बात हुई है स्लैंग जिसे हम बात करते हैं दिल्ली. हाँ. तूने एक स्लैंग बोला, मुझे इतना कूल लगा कि भाई मतलब उसने ऐसी बात कर दी ना कि उसने दिमाग की ना भल्ला पापड़ी कर दी सौंठ वाली. मतलब ये तो टिपिकल. हाँ. नहीं मतलब वो सही यार, तो इक्का के साथ करना ही था, इनफैक्ट गोलू के साथ मेरे को करना ही है. तो वो भी बात चल रही है, इक्का भाई को मैंने अपना वर्स भेजा, बीट भेजी, उनको सही लगा वो वर्स. लाइक गोलू भाई को भी बड़ा सही लगा जब मैंने उनको भेजा था, जब उसमें इक्का भाई का वर्स नहीं था. और तब वो लॉकडाउन वाला सीन चल रहा था, उनके पास कोई स्टूडियो का कुछ इंतजाम नहीं था, बिकॉज वो अपने घर में फंसे हुए थे. और मुंबई थे, मुंबई. हाँ, मुंबई में जो उनका जहाँ पे रहते थे वो मुंबई के अंदर, वहाँ थे, उनके पास कोई भी इंतजाम नहीं था. बट बिकॉज उनको लाइक मैंने भेजा हुआ है और काम में डीले ना आए, इसलिए उन्होंने फोन पे रिकॉर्ड करके भेजा उस चीज को. एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट. उन्होंने बताया था मेरे को कि मैंने भी उस टाइम पे किया था, तो वो फाइल आनी पाई, कुछ दिक्कत हो गई उसमें भी कुछ. उन्होंने सारा फोन में रिकॉर्ड किया, फिर वहीं से एक्सपोर्ट करके भेजा. पहले मेरे को लगा जो रिवर्ब है ना, उन्होंने ऑलरेडी इफेक्ट डाला हुआ है. मैंने कहा ब्रो इस पे से ना रिवर्ब हटा के दे देना. तो भाई रिवर्ब नहीं है, रूम के अंदर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मैंने कहा चलो उसके अंदर रिवर्ब डालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो साथ में दे दिया आपने. पर वो वाला गाना था जो मेरा लाइक मैंने लिरिक वीडियो बना के डाला और नंबर 4 ट्रेंडिंग था, मेरी गांड फट गई थी भाई. मैंने कहा भाई कोई पैसे वैसे नहीं लगा रहा है इसके पीछे. हाँ. यार एक चैनल पे जिस चैनल का आज तक कुछ ट्रेंडिंग पे नहीं गया, उसका एक लिरिक वीडियो ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत हार्ड टू बिलीव था. तो वो एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत सही था. हाँ. सबके साथ बेहतरीन, बहुत बहुत सही एक्सपीरियंस है. प्लस वो दिल्ली वाला सीन तीनों में है, बहुत तगड़े वाला, तो वो वाइब तो आ ही जाती है, बिल्कुल मैच हो जाती है. और मतलब यार मुझे लगता था कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको. हाँ. एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात की थी करियर ग्रोथ को लेके, जैसे 9 महीने बाद हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो देखो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, जितना लोग देख रहे हैं उन्होंने भी ऑब्जर्व करा है कि आपका करियर ग्रोथ बहुत खतरनाक है 9 महीनों में. तो अभी आप वैसी हो या आप नाउ यू आप प्लान बनाते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो कि ये करना है ये करना है, या जैसे 9 महीने पहले थे वैसे ही करना? नहीं, कोई पता नहीं, अच्छी बात है, नहीं कोई स्ट्रेटजी कुछ नहीं. सो गाना बनाया और डाला, मैं रख नहीं सकता अपने पास. मतलब अगर मैं रखता हूँ, सब होता ये है कि मैं अगर गाना बनाऊंगा तो वो लिरिक्स तभी कंप्लीट होते हैं जब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक मैंने शायद पहले आपको बोला है, किसको बोला है, कि जितना मैं लिखता नहीं उस ज़्यादा मैं काट देता हूँ. तो मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ इस चीज़ में कि एक एक लाइन है ना, लोगों को हर किसी ना किसी के टिकनी चाहिए. तो उसी में आप ज़्यादा टाइम देते हो? हाँ, लिखाई पे ही ज़्यादा टाइम जाता है. तो मेरे को ये चीज़ रहती है कि अगर गाना कंप्लीट है तो ऑब्वियसली आई लव माय सॉन्ग, तो मैं उसको बहुत सुनता हूँ, बहुत मैं उससे बैंग करता हूँ अपने ही गाने पे, मुझे मज़ा आता है. और वो इतना सुन लेता हूँ ना कि लाइक एक टाइम पे उससे नफरत होने लग जाती है, भाई ये कितना सुन लिया मैंने और कितना सुनूं इसको. मुझे होता है ना, एक गाना बार बार चल रहा होता है, एक ही चीज़ आप बार बार करते रहो तो आप बोर हो जाते हो उसी से ही. तो मेरे को डालना ही पड़ता है कि अगर अब नहीं डाला ना तो ये मैं डिलीट कर दूंगा और कुछ नहीं होगा मेरे से. तो इसलिए मैं गाना बनाता हूँ और डालता हूँ. और सबको मैं यही बोलूँगा कि भाई काम निकालते रहो, आपको नहीं पता कौन सी चीज किसको कहाँ पसंद आ जाए, कौन सी चीज किसको कहाँ अच्छी लग जाए. आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते. ठीक है, तो मतलब नो प्लान्स, नो स्ट्रेटजीज, आप जैसे हो वैसे. स्ट्रेटजी नहीं है, बट ऑफकोर्स मैं प्लान करता हूँ कि किस तरह का गाना बनाना है, पर ये नहीं करता कि किस हिसाब से डालना है या क्या. गाना बना, वीडियो बना या लिरिक वीडियो बना, लिरिक वीडियो नहीं भी बना तो ऑडियो करा और चढ़ा दिया. सही, उसके बाद फिर जनता देख रही है और वही बनाती है, बिगाड़ती है वही. मतलब जैसे ट्रेंडिंग पे आ गया. हाँ, जनता ही करती है सारी. ठीक है भाई. अच्छा, मैं बहुत ना आपको ऑब्जर्व करता हूँ सोशल मीडिया पे, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम. तो अभी तो जैसी भाई ने आईफोन लिया, पहले मोटरोला था. हाँ. जैसी आईफोन आया, हाँ. लॉन्डो में खुशी की लहर दौड़ गई. हाँ. कि फाइनली हमारे भाई ने वो मोटरोला आज गुम हो गया भाई. मैं था बिल्डिंग में, था वहाँ पे लिफ्ट थी, तो किसी के लिए लिफ्ट रोक रहा था. तो जनरली दरवाजों में सेंसर होते हैं, तो मैंने अपना हाथ ऐसे आगे कर दिया. उस दिल्ली में सेंसर नहीं थे, वो भाई मेरा हाथ आ गया बीच के अंदर उसमें. हाँ. और मैं बाहर था उस टाइम पे. ओके. और मेरे हाथ में सर ये वाला फ़ोन मेरी जेब में था, और जो दूसरा फ़ोन था मोटो, और जो मेरा वॉलेट था. हाँ. वो मेरे हाथ में थे.
अब लिफ्ट अगर चलने लगती तो भाई मेरा हाथ जाता, तो मैंने कोशिश करी कि अपना हाथ झटके से निकाल लूं ऐसे बाहर, वॉलेट मेरे हाथ में रह गया, फोन नीचे चला गया। सो जो प्लेटफॉर्म और जो लिफ्ट होती है उसके बीच में गैप जो था, जो पुरानी लिफ्ट है उसके बीच में स्पेस होता है वहां पे, और वो सीधा गया नीचे। उसके अंदर गए गार्ड के पास, लिफ्ट खोलनी पड़ेगी ये वो, मैंने कहा मरने गए। लहर दौड़ी दूसरे, अब बात भी नहीं कर सकते नहीं, नहीं करो भाई करो। हाँ, बट जो ये लॉन्डे में लहर दौड़ गई, मीम्स बन गए की भाई ने फाइनली फोन चेंज कर लिया, आईफोन वाले हो गए फटी भाई। अब यार इंस्टा वाली जनता और यूट्यूब वाली जनता या जितनी मेरी जनता है, सबने देखा है मेरा कि लाइक मैं कहाँ से ग्रो करके कैसे आया हूँ। तो अगर मैं कुछ चीज कर रहा हूँ, अगर मैं एक महंगा फोन ले रहा हूँ या कुछ भी है, तो उनके लिए अचीवमेंट होती है कि भाई भाई ने ले लिया, भाई कुछ कर रहा है यार। मुझे बड़ी खुशी जो आईफोन भाई के पास, मजा आ गया। हाँ तो ठीक है, लाइक लोग पोस्ट करते हैं शेयर करते हैं, बाकी मीम्स तो बनते हैं यार, आए मीम्स तो जिंदगी है ब्रो। और मतलब मीम्स तो आप एंजॉय करते हैं वैसे भी। ठीक है भाई, मतलब इसको थोड़ा सा ख्याल रखना बेचारेगा भाई। ठीक है यार, ठीक है। अच्छा भाई, मेरे को ये जानना है कि यू नो राइट नाउ और आज के जो यंग वंस हैं उनमें से आपका फेवरेट बीट प्रोड्यूसर और फेवरेट रैपर कौन है जो यंग? यार फेवरेट रैपर है मेरा रेबल 7, मतलब यंग में ओल्ड में सब मिला के वो है, वो बढ़िया लगता है मुझे। मतलब वो इंस्पायर भी करता है मेरे को बंदा, वो खुद अपनी बीट बनाता है, ठीक है, खुद ही अपने लिरिक्स लिखता है, और उसके लिरिक्स में भी काइंड ऑफ वही फ्लेवर है जो मैं डालना चाहता हूँ या जो मेरे में होता है। सो आई लाइक दिस स्टफ। और मेरे दो गानों में, एक तो हाँ भाई के अंदर है वो, हाँ भाई में बीट मेरी है लेकिन उसका सेकेंड वर्स है, और मेरी ईपी के अंदर भी है वो, और उसका वीडियो भी है, गाने का नाम है हाथ तो लगा, और पहला वर्स उसका, वो बीट मेरी है उसकी, लेकिन वो बहुत चल निकल उसकी बीट थी। चल निकल जो मेरा गाना है 2019 में आया था मार्च में या फरवरी में, तो वो बीट उसकी है, बहुत क्रेजी बीट बनाता है, बहुत बहुत तगड़ा लिरिसिस्ट है वो, मतलब उसमें है बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्लियरली बहुत, बिकॉज वो मेरा फेवरेट है तो पोटेंशियल तो है ही। हाँ, एंड व्हाट अबाउट बीट प्रोड्यूसर? वही है, वीडियो बहुत सही बनाता है, फ्रिस्क इज ऑल्सो गुड, फ्रिस्क ने मेरे लिए बीट बनाई है। अगर लाइक मैं यंग वंस की बात करूँ तो डम 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 या अच्छा, बहुत सारे यार लॉन्डो का मैसेज आता कि पार्ट टू कब निकाल रहे हो? पार्ट टू व्लॉग का करो यार, तुम करो है मेरे बाली भाई, प्लान क्या लास्ट टाइम कौन सा प्लान था, तू आ गया था बस, शुरू हो गया था उसके बाद बस बकचोदी चल रही थी, उसको शार्प एडिट, मतलब मेरे हिसाब से तो वही सही रहेगा कि प्लान मत कर, बस आ जा किसी दिन, और उस दिन मैं फ्री हूँ, बाली फ्री हूँ, अगर बाली चाहिए तो ठीक है। वैसे कितने व्यूज है भाई मेरे को बता दो, उसमें अभी 3 लाख होने, 3 लाख है ना, बाली नहीं होता, मिलियन था। अगर अगली बार तुम्हें मिलियन चाहिए तो सिर्फ मेरे साथ बनाओ, ठीक है, और मिलियन पक्के हैं, गारंटीड सब्सक्राइबर्स भी व्यूज, पर बस थोड़ी यंग वंस को मिलेंगे, रेबल को मिल, हां सॉरी ब्रो, बाली इस बार रे बाली 7 अच्छा भाई, इसके अलावा मैंने नोटिस करा यू नो आप काफी चूजी हो या मूडी हो? किस चीज? हां मूडी हूं, पर चूजी क्या होता है? मतलब जैसे हम करने वाले थे इन कन्वर्सेशन, क्या कौन सा, अब तो रीजन पता तो है तेरे को, मेरे पास उस टाइम फोन खराब था, मेरी शक्ल गंदी आती, बाल दाढ़ी बड़ी हुई थी, मतलब सब कुछ लॉकडाउन था, मैं कैसे कैसे उस चीज के अंदर करता, या तो मैं बाहर निकलता, फिर लोग मेरे को बोलते कि बाहर कैसे जा रहा है, तो या तो वहां सुन लू या यहाँ सुन लू, फिर मैं उस चीज को इंस्टाग्राम, क्या इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लाइव, इतने लोगों ने रिक्वेस्ट किया आपसे, मैंने खुद बोला है ब्रो, और मुझे करना है, ठीक है, लाइव करेंगे हम लोग, और मोस्ट प्रॉब्ली इसी महीने में करेंगे, लाइक जैसे मेरी ईपी आती है तो ईपी से पहले या फिर उसके बाद, पर उसी अराउंड करेंगे, और मेरे को पता है कि मैंने बहुत बार बोला है कि अब करेंगे, अब करेंगे, हाँ फुल पावर, लेकिन लाइव के लिए नहीं, मतलब कि मतलब जैसे इंटरव्यू में बहुत कंफर्टेबल हो, क्योंकि देखो हमारा यार शाय लाइव है, मैं कैसे हो सकता हूँ, मेरे को देख थोड़ी रहा है, मैं यार मैंने परफॉर्म किया है, सिद्धू के लिए मैंने ओपन किया, हनी सिंह के लिए ओपन किया है, अब 20,000 की जनता में परफॉर्म किया, 10,000 की जनता में अकेले मैंने क्राउड संभाला, वो वाला शाय अलग होता है, ठीक है, एक होता है कि 5 लोग बैठे हैं एक रूम के अंदर, जिनमें मेरे को बात करनी है, मेरे को नहीं करनी है बात, इंट्रोवर्ट बोल सकते हो आप, शायद नहीं इंट्रोवर्ट बोल सकते हो उस चीज को आप, लेकिन अगर लाइव की बात करो तो उसमें क्या सीन है, मैंने पहले लाइव करा हुआ है, पहले फेसबुक पे लाइव करता था, मैंने देखा नहीं, मुझे वही लगा कि सब लोग उस टाइम पे, मुझे याद है कि अभी सीन ये है कि लाइव जाने के लिए ना, लाइक मैं चाहता हूँ कुछ सब्सटेंस तो हो, कि ये खाली जाके बैठ के बकचोदी नहीं करना चाहता, हाँ बोलने के लिए होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, और मैं जानता हूँ कि मैंने बोला है कि पहले 1 लाख सब्सक्राइबर पे करूंगा, फॉलोअर्स पे करूंगा, मैंने नहीं किया, मैंने कहा फोन चेंज करूंगा, फोन लिया, मैंने नहीं किया, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ईपी के अराउंड करूंगा और मैं करूंगा,
16 आने सच ठीक है, मतलब अगर मैंने नहीं किया ना अनफॉलो कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं वैसे मत करना, पर मैं करूंगा, मैं लाइव करूंगा, मैं तेरे को भी लूंगा साथ में, ठीक है अगर तू जाग रहा हुआ। हाँ बाली भाई आया था, मैं उस टाइम पे था, जो फर्स्ट टाइम बाली भाई आए थे तो मैं भी था, ठीक है। इसके अलावा मेरे को जानना है और बहुत सारे लॉन्डो को जानना है KLEP के बारे में भाई। जिस दिन मैं पहली बार बाली से मिला, ठीक है, उस दिन लाइक हम लोग आई थिंक गेम खेल रहे थे, मैंने स्टोरी डाली थी, सो बादशाह भाई ने वहाँ पे उस स्टोरी पे रिस्पॉन्ड किया था, सो लाइक उन्होंने सुना हुआ था, बाली का काम सुना हुआ थी, ऑल्सो लाइक बाली का काम पसंद था उनको। तो फिर जब मैं पहली बार बादशाह भाई से मिलने गया था, तो मैं बाली को भी साथ में ले गया था, एंड ऑब्वियसली मैंने पूछा था बादशाह भाई से कि मैं लेके आऊँ, लाइक यस ऑफकोर्स लेके आया, ही लाइक हिज म्यूजिक, अच्छा है। तो हम लोग वहाँ मिले, एंड देन बादशाह भाई ने मेरे को बोला कि लाइक ग्रुप फॉर्म करते हैं ऐसे करने का, मैंने कौन कौन, लाइक तू, मैं और बाली, मैंने कहा ठीक है, कहते कोई नाम सोच, मैंने कहा कलेशी लॉन्डे रखते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है नाम सही है, ओके। फिर एक हफ्ते बाद मैंने उनको बोला कि अगर वो नाम सही नहीं है तो तीन तिगाड़ा रख लेते हैं, तीन लोग हैं, तीन तिगाड़ा रखते हैं ग्रुप का नाम, कहते नहीं कि कलेशी लॉन्डे सही है, कहते ज़्यादा क्रिएटिव मत हो तू, कलेशी लॉन्डे बहुत सही है, मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से ग्रुप फॉर्म हुआ, तो कलेशी लॉन्डे का पहला गाना जो था वो तो हॉट लॉन्डे था, यस। और कलेशी लॉन्डे एक्चुअली पहले लोगों को लग रहा था कि मेरा और बादशाह भाई का गाना आने वाला है कलेशी लॉन्डे, और जब बहुत तेज आया तो उनको लगा कि मेन गाना कलेशी लॉन्डे है, उससे पहले बहुत तेज निकाल दी, क्योंकि मेन गाना बहुत तेज, ठीक है। सो कलेशी लॉन्डे ग्रुप का नाम है, और जो पहली ईपी होगी दैट विल बी टिटुलर, लाइक टाइटल के ऊपर ही कलेशी लॉन्डे ईपी होगी, या कलेशी ईपी होगी, या कलेश या कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, और उसके अंदर 5 या 6 गाने होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली सारे के सारे हम तीनों के ही होंगे, ऐसा नहीं कि लाइक एक मेरा और बादशाह भाई का, मेरा और बाली का, या हम तीनों का, मेरे ख्याल से सारे के सारे ऐसे होंगे। हमने कॉन्सेप्ट डिसाइड करे हैं कि लाइक सब गानों में कलेश ही होगा, कुछ ऐसा नहीं कि लाइक कोई सैड सॉन्ग है या कोई डांस नंबर ही सोच के बनाया है, कलेश होना चाहिए, मतलब गलत ही हिसाब होना चाहिए, दिल्ली वाला, हाँ पूरी दिल्ली, पूरी दिल्ली वाला हिसाब, वो वाला हिसाब जो मतलब जिसको पूरा इंडिया समझ सके, फ्लेवर अपना ही होगा, जबान अपनी होगी, लेकिन रिलेटेबिलिटी फैक्टर सबका ही होगा। सो दैट्स कब तक कुछ हम जान सकते हैं, वही ऐसा बोल रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव चीज है, ठीक है, चाहे जितनी लेट आए पर जब आएगी कलेश कटेगा। तो मतलब करेंगे KLEP इंटरव्यू, हाँ KLPD इंटरव्यू, KLEP सॉरी, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताओ EP तो आपके आ रही है, फ्यूचर में और किन किन सिंगल्स या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? यार इस साल अभी तक मैंने 4 या 5, मैंने पिछले साल बोला था 2020 में 20 गाने आएंगे, ठीक है, जो कि बने पड़े हैं, पर वही है जैसे बोल रहा था, जैसे मेरे को बनाने होते हैं, निकालने होते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, एंड आई होप कि इससे पहले मैं उनसे नफरत करने लगूँ मैं उनको निकाल दूँ, कोशिश करूँगा इसी साल निकाल दूँ। जब ये EP आएगी उसके बाद आई थिंक नवंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर से मैं अपने चैनल पे काम करना शुरू कर दूँगा दोबारा से, और मेरे पास ऑलरेडी 3 गाने पड़े हैं जिसमें से जो मैं पहला करना चाह रहा हूँ वो मेरा और बाली का है गाना, ठीक है, हमारी पहली कोलैब है एक साथ, गाने का नाम जो भी है चुप रहो, ठीक है, वो हमारी पहली कोलैब है, और एक मेरा और बाली का होगा, वो बाली फीचरिंग पार्टी होगा, वो उसके चैनल पे जाएगा, शायद उसका नाम तुम्हें पता होगा जो भी है, हाँ। ठीक है, सो या उसका वीडियो मैं प्रॉपरली करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को वो गाना बहुत पसंद है जो मेरा और बाली का आ रहा है, मतलब वो क्रेजी ट्रैक है, वो भी मैंने प्रोड्यूस किया है, और बाली का वर्स होता ही गांडफाड़ है, यस। उसके अंदर भी अब सब बेसिकली मैं 140 BPM से हट के अब मैं 80-90 ट्राई कर रहा हूँ, कि लाइक थोड़ा सा स्लो, लोगों को और समझ में आए क्लियरली, लेकिन स्टाइल वही रहे, अग्रेशन कम कर रहा हूँ पर आवाज़ वही रख रहा हूँ, मैं वेरिएशन ट्राई कर रहा हूँ, अच्छी बात है। तो अभी तक तो यही प्लान है, कोलैबोरेशन भी हैं, दी ओनली थिंग इज कि मैं तब तक रिवील नहीं करता जब तक एक फाइनल क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि गाना आ ही रहा है, बिल्कुल सही बात, एक पहले आप बोल दो फिर ना हो, फिर लोग रोज 100 मैसेज भेजते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा, क्या मुझे खुद को बुरा लगता है कि मेरे पास जवाब नहीं होता, सो इसीलिए जब एक बार चीज़ें फाइनल हो जाए मैं तभी रिवील करना उसको, समझदारी का काम समझता हूँ, बिल्कुल सही बात है, जैसी फाइनल हो जस्ट पिंग मी, मैं एक्सक्लूसिव फिलहाल, ठीक है। अच्छा ये जो बकचोदी वाला ब्रोमांस है ना बाली भाई के साथ, देखो ये देखो मतलब आप हो गए होगे, हम जब तीनों भी मिलके कर रहे होते हैं तो अलग ही कलेश होता है, ठीक है, जब आप और यू नो बाली भाई जनरली हम मिलते हैं, ब्लॉग किया हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू में कैमियो किया था, उसकी व्यूज भी मतलब कम है वैसे तो,
और हो सकते थे और हो सकते थे। तो मुझे ये बकचोदी वाला ब्रोमांस ना, मतलब इसमें ना आर्टिस्ट नहीं दिखता इसमें। वो आपने देखे स्कूल के लौंडे होते जब स्कूल में करते कि दो भाई है जो एंचो कोई भी अगर पंगा लेगा तो पहले पहुंचेगा, ठीक है, मतलब वो वाला वो दिखता, आर्टिस्ट नहीं दिखता मुझे। बाली के साथ है ना मेरा ये सीन है कि मैं उसको कभी ये नहीं बोलूंगा कि भाई गाना बनाते हैं। मैं अगर उसको मिल रहा हूँ ना तो म्यूजिक विल बी द लास्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट। हम कभी म्यूजिक की बात नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ बकचोदियाँ ही चलती हैं। और वो मतलब एक फेलो आर्टिस्ट से पहले दोस्त है, ठीक है। बाली को मैंने सबसे पहले सुना था आई थिंक 2018 में शायद या 19 होगा, उसका गुची गैंग का रीमिक्स था, ठीक है, और उसने ऐड लगाई हुई थी फेसबुक पे, तो मेरे सामने आ गया था वो। सेम मेरे सामने ऑब्वियसली यार, रीच तो इंस्टाग्राम पे है ना, रीच कहाँ होती है इनकी, इनकी रीच होती है कोई, ऐड वैड लगाते हैं, पैसे तो है इनके पास, चार जमीनें बड़ी हैं, बेचते हैं, पैसा आता है ऐड लगाते हैं तभी 10 लाख व्यूज आते हैं, घर पर लिफ्ट भी है, 10 लाख 1 करोड़ व्यूज है भाई, बिना पैसे के होते हैं किसी के, तुम बताओ मेरे को। आई एग्री विद यू। तो वो गाना मेरे सामने आया, मैंने उस गाने को सुना, लाइक डूड, और ये दो तब की बात है जब ना मेरी उससे कोई बात हुई थी, ना मेरे को पता था वो एग्जिस्ट करता है, ना उसको पता था मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मैंने पहली बार देखा तब, लाइक प्रॉपर गोल मूछे रखता था उसके अंदर, मैंने कहा बहनचोद ये बंदा क्या कर रहा है, मेरे को बहुत क्रेजी लगी। जॉ लाइन देखी थी भाई की, हाँ। मैंने कहा यार ये बंदा बहुत क्रेजी चीज़ कर रहा है, और ये वो कर रहा है जो एक्चुअली मैं करना, जो जहाँ पहले इंग्लिश में करता था मैं तब करता था, मुझे बहुत सही लगा, लाइक मेरे को अपनी तरह का कंटेंट दिखाई दिया उसके अंदर, कॉन्टेंट दिखाई दिया उसके अंदर। उसके बाद फिर मेरा एक शो था 2019 में, आप भी आए थे रास्ता में, और बाली भी था वहाँ फर्स्ट टाइम, लेकिन बाली ने उससे पहले मेरे को एक बार DM किया हुआ था इंस्टा पे, और मैंने उसको जब रिप्लाई किया था तो मेरे को ये याद था कि उसने मेरे इंस्टा का जवाब नहीं, मेरे DM का जवाब नहीं दिया। जब वो मेरे को वहाँ मिला ना, मैंने कहा भाई जवाब तो, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं पहली बार, मैंने कहा भाई जवाब तो दे दिया कर, कहता तू तो दे दिया कर, मैंने कहा भोसड़ी के देख ले किसका है, उसने दिखाया तो उसने उसके बाद जवाब दिया हुआ था, मैंने नहीं देखा हुआ था, लाइक उसमें सीन भी नहीं था वहाँ पे, सो आई वाज लाइक सॉरी मैन, लाइक मेरे को पता नहीं था। देन आई मेट हिम, लाइक वहाँ पे थोड़ी बातचीत बनी, उसके बाद फिर एक हसल वाला जजिंग इवेंट था जहाँ पे मैं मुफाड़ वाली था, मैं भी वहीं था, वही था मेरे भाई, फोटो भी है, फोटो डाली, अच्छा फोटो है, ओके, मैं हर जगह होता हूँ जहाँ हिप हॉप हो रहा था वहाँ राज्य सर्वव्यापी। वहाँ पे फिर उससे सही बातचीत हुई, और उसके बाद उससे बढ़िया बातचीत हुई जब तुम्हारे साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था यहाँ पे, बहन जो तो तीनों टाइम था यार जब मैं बाली से मिला हूँ, आई एम द लकी गाय ब्रो, हाँ, उसके बाद हमने व्लॉग करा, हाँ वहाँ भी तू था, ठीक है, तो जब लाइक यहाँ पे अभी भी बाहर बैठा है, December 2019 में जब मेरा यहाँ पे इंटरव्यू था तब मेरे को यहाँ मिला था वो, और उसके बाद फिर हमने शॉर्मा खाया था और फिर वहाँ से बातचीत हुई, फिर मैं उसको पहली बार मिला उसके घर पे, हमने गेम वेम खेला, मैंने कहा भाई ये तो गाने वाने बनते रहेंगे, तू पहले बातचीत कर मेरे से, और बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे भी देख के खुशी मिलती है, और लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं कि भाई मतलब वो आर्टिस्ट जैसे आपने बोला, ठीक है, लेकिन ये बकचोदिया इतनी बढ़ गई है कि बहनचो सॉरी सोशल मीडिया पे तरह की बोल रहा भाई, जैसे प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम नहीं, बकचोदिया बीमारी है, नहीं मैसेज कर इसको दोबारा लेता, ये बकचोदिया नहीं, अच्छी बात है, ये रखियो, ठीक है ये रखियो, इसको दोबारा लेता हूँ, ये भी रखियो, कुछ एडिट नहीं होगा, ये जो बकचोदिया इतनी बढ़ गई है, Tell me about Shankar and Pinky, bro. अरे यार, you don't like it? I fucking hate it. I know. मतलब क्यों करता? एक तो मैं बिना बात का शंकर बनाऊं, मैंने नहीं बोला कि भाई मैं शंकर बनूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, और बिना बिना शंकर के उसकी पिंकी अधूरी है, वो उसको लाना ही लाना है, मतलब जितनी इतना मूड खराब होता है ना मेरा, आई थिंक वही मेरा कैरेक्टर है शायद, वही शंकर है। अरे बहनचोद बंद कर, मुझे याद है शूट पे भी बंद कर, बहन के लंड यार, वो जब उसके उसके सिर पे वो आता है ना, वो जब उसके सिर पे वो बाल आते हैं और चश्मा आता है, शंकर शंकर जब चलना शुरू होता है, मैंने कहा ओ फक यार ये शुरू हो गया, मैंने कहा या तो तू या तू टूटेगा तेरा फोन टूटेगा आज। तो पता नहीं भाई कब, पर लोग एंजॉय करते हैं मेरे ख्याल से, अच्छा है, मतलब भाई ऐसे ही ब्रोमांस आपका बने रहे। एंड जाने से पहले भाई एक स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से, ले आओ भाई, ठीक है भाई, स्केटबोर्ड होना चाहिए, वो आ जाएगा, बट इस बार है आपके लिए भाई, हैशटैग चलाओ, मैं अरवन मंकी को बोल रहा हूँ कब से कि मेरे को भेजो स्केटबोर्ड, इसको ही भेजो कम से कम, मैंने बोला भाई उसमें वो टायर वाला सीन हैशटैग 40 का स्केटबोर्ड कहाँ है, ये ट्रेंड होना चाहिए कमेंट के अंदर, चलो ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग कर देते, इस बार कंप्लेन नहीं कर सकते, पता था, ओह शिट भाई, भाई हमारा सेफ रहे, एक मास्क है, अच्छा बहुत ही खतरनाक, खोलू क्या इसको, हाँ खोलो भाई खोलो, इसमें जो लिखा है वो आप ऑलरेडी हो फेमस, और इस बार 3 कैप है भाई, सही सही, हाँ दो बार कंप्लेन कर दी तो हमने इस बार भाई को 3 कैप्स दिए, सही, ओह आई लाइक दिस,
ये एक लेजेंडरी बंदा भी पहनता है। कौन? राज जोन्स। कोई है जो तू नहीं पहनता इसके अंदर से? भाई अपना स्पॉन्सर है भाई अरुण मंकी, जहाँ है पापा वहाँ अरुण मंकी भी। बाकी वो शेड्स भी रखे मेरे पास, लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं, वो मैंने रखे वैसे ही, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ आज, वो मैं भाई को दे दूंगा कैमरे के पीछे। उसके अलावा एक और चीज है जो मैं चाहता हूँ कि नो, जो लास्ट इंटरव्यू से एक चीज निकली थी बड़ी खतरनाक, जो ट्रेंड पे चली थी, जो आप भी वो यूज करते हो अपने इंस्टाग्राम पे, These are some cool t-shirts. उसमें लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा हुआ है, दिखा दो भाई एक बार। सही, किसको पता है ये क्या है? ये क्या है? Hashtag MKCZK. ये एक्चुअली एक अच्छा एल्बम का नाम भी हो सकता है, पता है? Like I can make an album just hashtag MKCZK. Exclusive. Yeah. Yes. Thanks man. तो ये भाई आपके लिए है, और मतलब ये भी और भी बहुत सारी हैं। बहुत सही, अच्छा। हाँ। Giveaway कर देंगे उसका। ये कर देंगे भाई। बहुत सही। थैंक्स अ लॉट भाई, आप मेरे शो पर आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और तीसरी बार आप मेरे शो पर हो भाई, से बात करके कैसा लगा, मेरे शो पर आए कैसा लगा वो बताओ यार। यार तू एक ही चीज़ है ना, बारी बारी बुलवाता है। एक तो जरूरी मेरे को याद आ लाइक पहले इंटरव्यू में आप बोलता था, उसके बाद सेकंड में तुम था, अभी तू हो गया, लाइक अपनी बातचीत बहुत सही है। अब बहुत सी कैडी हो गई ना भाई। हाँ, कैडी बातचीत। ओ शिट, लीक नहीं करना भाई गाना। नहीं निकल गया। नहीं सही यार, मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि मतलब मैं पहले तो डीएम करता था आने के लिए, मेरे को याद है राज जोन्स ने को सीन 2018 से सीन पे छोड़ा हुआ है। देखो मैं, तू चुप रहे यार, मैं इसको अब बता दूं। हाँ, आप बता दो। हाँ, कि देखो ठीक है। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जिंदगी झंडा मेरा गाना आया था, मैंने इसको सुनाया, मैंने कहा राज जोन्स, ओ शिट राज जोन्स इंटरव्यू लेता है यार, ये लोगों का, जब लोग यहाँ पे आते हैं तो लोग लेजिट हो जाते हैं। एक रैपर का सपना है यहाँ पे इंटरव्यू अपना करवाना। मैंने भाई को भेजा डीएम, मैंने कहा ब्रो बहुत सही है तुम्हारा काम, हिप हॉप के लिए सब वो सब कर रहे हो तुम। कहता हाँ थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा मेरा इंटरव्यू कब ले रहे हो भाई? सीन यार मैं बता सकता हूँ, वो भाई मिस हो गया होगा। अब मिस हो गया सीन कैसे भाई? मिस कैसे? मतलब मैं देखा कि ऑफिस में था, शो करता, मैं रिप्लाई करूंगा, पर याद नहीं रहा। उसके बाद अच्छी बात जो हुआ ये कि तब तक मैं फेमस नहीं, मैं पॉपुलर नहीं, खैर अभी भी नहीं हूँ। नहीं अब मुझे बता दो स्टोरी। सो बादशाह भाई की एल्बम आई थी द वन, तो रिलीज होने से पहले मैं स्टूडियो में था, तो वहां अपने भाई हैं सुल्तान भाई, विक्रांत भैया। ओह यस। तो हम किसी को हिप हॉप के लेके उनसे बहुत डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो फुल हिप हॉप वो मेरे टाइम से कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत पुराने बासमती चावल है, एक्सप्लेरेस होता था उनका नाम पहले, एक्सप्लेरेस। तो फिर उनसे बातचीत, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू 47 का इंटरव्यू क्यों नहीं करता है? तो मैंने बोला कौन 47? मैंने बोला हाँ मैं करता हूँ, मुझे क्योंकि मतलब उनसे मेरी बहुत अलग लेवल की बातचीत होती है। वापस बोला ठीक है, मुझे ना बड़े ठीक है, वो तो पता नहीं कौन है, किसकी बात हो रही है। उस टाइम तो मैंने हाँ ठीक है मैं करता हूँ। मैंने इंटरव्यू खत्म हो गया, घर गया, मैं चेक करा, इस भाई ने तो मेरे को मैसेज किया, मैंने यार रिप्लाई भी नहीं करा। तो फिर उसके बाद मतलब फिर मैंने भाई को रिप्लाई करा, फिर हमारा पहला इंटरव्यू हुआ था हिट 95 जो कि भाई ने वहां का जंगली बड़ा खतरनाक बनाया था। फिर उसके बाद से मतलब ये मैं सॉरी बोल चुका हूँ कैमरे का। थैंक्स अ लॉट भाई यार कि आप मेरे शो पर आए, फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ दूंगा। थैंक यू मैन फिर से बुलाने के लिए, लाइक नो ब्रो, थैंक यू सो मच।